हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग यूलूटली फाइन सो टुडे वी विल सी कि व्हाट इज कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में सो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या होता है कुंडलिनी अवेकनिंग सो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो आई होप दिस विल हेल्प यू इन सम और समी अदर वे ओके सो कुंडलिनी अवेकनिंग होता क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग बेसिकली होता है कि आपका जो एनर्जेटिक फॉर्म्स हैं जो आपके अंदर हैं एनर्जीज़ हैं बेसिकली उसके जो मेंटल फिज़िकल आपके स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है ओके okay? आपके जितने भी यू नो नेगेटिव और है उसको बिल्कुल हटा देता है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है कुंडलिनी अवेकनिंग होने पे वो कुंडलिनी अवेकनिंग कब होती है जब हम कुंडलिनी योगा करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा साधना करते हैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है कुंडलिनी अवेकनिंग तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी स्टोन हो जाएगा आपको डायबिटीज़ हो जाएगा हाइपर डायबिटिक हो जाओगे आप आपको बहुत ज़्यादा आपका ई एस आर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे उस टाइम आपकी कुंडली अवेकनिंग हो सकती है आपको कोई ट्रामा हुआ हो इन द सेंस कि कोई भी टाइप का ट्रामा हुआ हो कोई पास्ट बैगेज हो पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कोई दिक्कत हो उस वजह से बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया हो आप एकदम आपका मैरिज ब्रेक हो चुका हो ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ तब भी हो सकता है ये बेसिकली एंड नियर बाई डेथ एक्सपीरियंस के टाइम में भी हो सकता है जैसे कई बार आप बाहर जा रहे हो आपका एक्सीडेंट होने वाला आप बच जा रहे हो या फिर आप को कोई यू uh, नो you know, आपका मैरिज फेल्ड मैरिज है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अब किया जाता है आप मरने वाले हो और अचानक से बच के निकल जाते हो वहाँ से तो ऐसे टाइम में भी आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम या आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है उस टाइम फ्रेम में कुंडलिनी अवेकनिंग जनरली रिफर्स टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी ये एनर्जी का सारा काम है आपकी पॉजिटिव एनर्जी ओके okay, आपकी नेगेटिव एनर्जी को सबको उठा के वो स्पिरिचुअल बना देता है आपको इतना ज़्यादा कि आपके सारे चक्रस इस टाइम पीरियड में एक्टिवेट हो जाते हैं आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग सो द फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जेटिकली फीलिंग इन योर बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा आपके बैक साइड में आपके स्पाइन के पूरे एरिया में ऊपर से नीचे तक इन अ स्नैक फॉर्म आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होगा या आप स्नेक की तरह सोते होंगे ये भी एक बहुत ज्यादा यू नो ये मेरे खुद के साथ अप्लाई किया है तो मुझे पता चला कि तभी ये होता है आपके बैक साइड में आपका जो स्पाइन है वहाँ पे स्नेक की तरह बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रहेगा रात के टाइम सोते टाइम सोने से पहले या जब भी, भी आप बेड पे लेते हो तब उस टाइम होएगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसा फील हो सकता है आपको कि आपको करंट लग रहा हो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फीलिंग लाइटनिंग भी फील हो सकता है हल्का फुल्का सेकेंड पॉइंट इज शेकिंग एंड जर्किंग आपके अंदर एक शेकिंग जैसा फील हो सकता है आपको लगेगा कि आपको यू you नो know, बहुत ज्यादा शेक सा फील हो रहा है आपका शरीर और यू नो जक सा फील हो रहा है जर्क आ रहा है एकदम धक्का सा लग रहा है समटाइम्स एकदम झटका सा लग रहा है आपके अंदर ओके okay? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अभी हो रहा होगा जितने भी लोग स्पिरिचुअल हैं उनको ऐसा फील होता होगा झटका सा लगता होगा आप सोचते हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ वो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है ये सारे साइंस आपको दिखे तो आप डेफिनेटली सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा मुझे ऐसा हो रहा है आपके साथ सेंसेशन ऑफ एन इंसेक्ट ओके या फिर अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन योर स्पाइन आपके स्पाइन में ऐसा लगेगा कि कुछ क्रॉल कर रहा है या फिर कोई इंसेक्ट आपके स्पाइन में चल रहा है ऐसा भी आपको फीलिंग आ सकता है गाइस ओके ये बहुत बार मेरे साथ भी होता है नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ कोल्ड इन योर बॉडी ओके आपको ठंड फील होगा आपके जो यहाँ पे ये जो होते हैं ये यूनो you know, रेज हो जाएंगे आ, ऐसा लगेगा आपको ठंड सी लग रही है आपके हर एक चक्रास में हीट प्रोड्यूस होगा हल्का फुल्का तो आपको फील होगा कि एक टाइप का हीट यू you नो know, आ रहा है आपके अंदर आपके सर से लेके आपके स्पाइन तक ये चीज चलेगी कंटिन्यूअसली नेक्स्ट पॉइंट इस बहुत सारे चक्रास और आसना आप सीख सकते हो इस टाइम पीरियड में जो आपको आता ही नहीं होगा कभी आप उल्टे हो जाओगे ऐसे करके यू नो कुछ आसना करके या फिर योगा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे मेडिटेशन साधना में बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आप आधे आधे घंटे मेडिटेशन करोगे पार्क में बैठ के या फिर अपने घर के अंदर बैठ के जैसे मैं करती हूँ बहुत ज्यादा साधना अभी बिल्कुल बीच में रोक दिया था फिर दोबारा मैं बीमार हो गए भी पीछे तो दोबारा से मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया वो चीज आपके अंदर भी आ सकती है बहुत ज्यादा साधना करने लग जाए इस टाइम पीरियड में हैंड जस्टर्स बॉडी लॉक्स ये सारी चीजें आप ट्राई करोगे आसनास और कुंडलिनी आसना भी होता है अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए वो भी एक पॉइंट है तो उसको भी आप नोट कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट इज यू नो यू कैन स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ प्राणायाम्स जो आपने पहले कभी नहीं किया हो ब्रेथ वर्क बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे आप ब्रेथ वर्क जैसे यू नो ब्रीदिंग प्रोसीजर आपका बहुत ज़्यादा यू you नो know, बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में आप ऐसे यू you नो know, ब्रीदिंग टेक्निक सीख जाओगे जो किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्या होते हैं इन प्रैक्टिसेस को आपने कभी भी नहीं किया होगा पहले बट यू स्टार्ट डूइंग इट और डेली लाइफ में आपके आने लगेगा ये सारी चीजें नेक्स्ट पॉइंट इज वेव्स ऑफ इंटेंस प्लेजर आपके अंदर इंटेंस प्लेजर आने लगेगा आपके जो यू नो सेक्सुअल प्लेजर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ग्जम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में और आपको यू नो इंटीमेट होने का मन करेगा अपने पार्टनर के साथ अपने लिव इन पार्टनर के साथ मैरिड पार्टनर के साथ या नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ये सारी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम पीरियड में कुंडलिनी अवेकनिंग जब होगी आपकी नेक्स्ट इज़ बिग इमोशनल शिफ्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आने लगेगा आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा आप बहुत ज़्यादा मूडी रहने लगोगे कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, कभी आप बहुत ज़्यादा सैड होंगे आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा आप बहुत रोगे आप आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्यूँ रो रहे हो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपकी वेकनिंग चल रही है उस टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड में आप सबको कट ऑफ करते जाओगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है आपका दिल दुखाया है उन सबको डिलीट करते जाओगे उन सबको हटाते जाओगे अपने जर्नी से क्योंकि आपका जर्नी उनके साथ कंप्लीट हो चुका होगा आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका होगा उनके साथ जब आपकी कुंडली नी वेकिंग चल रही होगी नेक्स्ट इज सेंसरी ओवरलोड इसका मतलब होता है जितने भी साउंड होते हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सुनाई देने लगेंगी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाज़ें सुनने लगेंगी जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाएंगी हर चीज़ में आप सेंसिटिव हो जाओगे आपको सब पता चल जाएगा सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है आपके बारे में बुरा सोच रहा है आपके बारे में अच्छा सोच रहा है आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाला है आपके साथ बुरा करने वाला है हर चीज आपको सेंस होने लग जाएगी जब आपकी अवेकनिंग चल रही होगी उस प्रोसेस में नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंज साउंड आपको सुनाई दे सकते हैं जैसे थंडर स्टॉम सुनाई दे सकता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई दे सकते हैं आपको बाजिंग का साउंड आपको बहुत ज्यादा सुनाई दे सकता है ये सारे साउंड आपको सुनाई दे सकते हैं आपके अवेकनिंग के टाइम में नेक्स्ट पॉइंट इज आपके अंदर बहुत ज्यादा विजडम आ जाएगा वेव्स ऑफ विजडम आ जाएगा आपको रीड करने में इंटरेस्ट होगा आप टीवी देखना बंद कर दोगे बिल्कुल जैसे मैंने पांच साल से बंद कर रखा है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा रीड करने में नॉलेज गेन करने में यूनिवर्स के बारे में प्लानिट्स के बारे में एस्ट्रोनॉमी के बारे में एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉर्थ नोड के बारे में साउथ नोड के बारे में हर चीज़ के बारे में आपके अंदर एक जागरूकता रहेगी एक उत्सुकता रहेगी उसको जानने की कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं किस लिए होती हैं हम इससे क्यों कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के बारे में सन के बारे में मून के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आने लगेगा जैसे मुझे है ओके ऐसा आपको भी आ सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है रीडिंग में राइटिंग में भी मैनिफेस्टेशन में इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा इस टाइम पीरियड में नेक्स्ट इस हाइटनिंग पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाइपर क्रिएटिव हो जाओगे इस टाइम पीरियड में आप सब कुछ कर सकते हो उस टाइम पीरियड में आप गाना भी गा सकते हो आप गिटार भी बजा सकते हो आप सिंगिंग भी कर सकते हो वीडियोस भी बना सकते हो पेंटिंग भी कर सकते हो आप रीड भी कर सकते हो आप राइट भी कर सकते हो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो ऐसा एक टाइम पीरियड होगा जिसमें आप सब कुछ कर पाओगे एवरीथिंग। यू आर अ मल्टी टास्कर यू आर अ मल्टी हाइपर क्रिएटिव ऐसा बन जाओगे आप और आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ ओके नेक्स्ट पॉइंट इज आपके स्पाइन से यहाँ तक सर तक आपके क्राउन चक्रा तक बहुत ज्यादा पेन रहेगा आपको पेन इन द सेंस की बहुत ज्यादा वैसा पेन नहीं सर में आपके बहुत ज्यादा पेन रहेगा जैसे मेरा रहता है बहुत आपको हमेशा यू you नो know, इस एरिया पे क्राउन चक्रा पे आपके बहुत ज्यादा ही पेन रह सकता है तो आप सोचोगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग चल रही है इसी वजह से हो रहा है वो जो सेंसेशनल आपको पेन है वो जो यू नो वाइब्रेशन एक खिंचाव सा लगता है आपके साथ कोई है समथिंग लाइक दैट ऐसा भी फील हो सकता है आपके बैक साइड में ओके okay, स्पाइन तक ऐसा आपको फील हो सकता है बट रियलिटी में आपकी अवेकनिंग चल रही होती है इसी वजह से आपको सेंसेशंस फील होते हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट होता है कि आपके विजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस टाइम पीरियड में आप फ्यूचर देख पाओगे लोगों को गाइड कर पाओगे लोगों को बता पाओगे लोगों को हेल्प कर पाओगे उसी लिए ही आपकी अवेकनिंग चल रही होती है और उनको गाइड कर सके यूनिवर्स के मैसेजेस उन तक ला सके उनको हेल्प कर सके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू अपने गार्डन एंजल्स के थ्रू अपने एंजल्स के थ्रू आके एंजल माइकल के थ्रू या किसी भी एंजल्स लूसीफर के थ्रू कोई भी एंजल्स हो उनके थ्रू आप वो सारे मैसेजेस उन तक ला सके इसीलिए ही बेसिकली आपकी अवेकनिंग चल रही होती है गाइस तो बेसिकली दीस आर द पॉइंट्स आई होप आपके साथ ऐसा सब हो रहा होगा अगर हो रहा है डेफिनेटली मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि घर में चीज़ें गिर रही हैं थोड़ा सा ऐसा शेक हो रहा है कोई चीज़ें आपके कानों में कोई कुछ बोल रहा है समथिंग लगता है कोई हंस रहा है ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आने लगेंगे वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं वो आपको हेल्प करना चाहते हैं वो आपको बचाना चाहते हैं बुरे लोगों से बुरी चीजों से वो आपको नुकसान करने नहीं आए होते साथ आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है इसीलिए वो आपके आसपास रहते हैं गिलहरी आपके पास बहुत रहेगी आपके आसपास बहुत सारे बटरफ्लाईस रहेंगे चूहे रह सकते हैं डॉग्स आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में बहुत सारे एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं वो आपके आस आके बैठेंगे मैना और ये सारी चीजें स्पैरो हो गए वो सब आके बैठेंगे तो वो बहुत यू you नो know, वो इसीलिए हो रही होती है क्योंकि अवेकनिंग चल रही होती है तो वो आपके स्पिरिट गाइड से वो आपको हेल्प करना चाहते हैं वो जब बोलते हैं मैं ना लोग यू नो जब आप वीडियो बना रहे हो या फिर आप आसपास कहीं पार्क में गए हो वो आपके आसपास आके बैठे हैं तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज यूनिवर्स इज सेंडिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस टू यू इसी वजह से ओके okay? एंड इस टाइम पीरियड में आप सारे कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे उनको रिलीज करोगे यू विल रिलीज देम क्योंकि उनके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल शुरू हुआ था वो खत्म हो रहा है उसके बाद आपके सोलमेट और ट्विन भी आपकी तरफ आने वाले होते हैं इसी वजह से आप ये सारी चीजों से थ्रू करते हो सो दिस वॉज द जिस्ट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा सो so, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं ओके आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें एंड प्लीज़ डो नॉट फर्गेट टू हिट द बेल बटन थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल सी यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय